मेरे रब मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे, रब जानी मुकीम सलाती। पहली बात यहाँ समझने की है कि नमाज पढ़ना और नमाज को कायम करना, इनमें क्या फ़र्क है। कुरान में बार बार इस तबीर का जिक्र आता है, अकामुस सलावात व ज़का या अकीमुस सलावात व ज़का। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कद कामत सला, इकामत दी जाती है। इकामत से मुराद दो चीज़ें हैं। पहले तो एक तो है सल्ला, उसने नमाज पढ़ी। ये नहीं कहा रब्बी जालनी उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे, ये कहा मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। उस पर फ़र्क क्या है? पहली बात ये कि नमाज कायम करने से नमाज जमात से सिर्फ नमाज बिल जमात मुराद है। इकामत दी जाती है तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब इकट्ठे खड़े होते हैं, फिर नमाज कायम होती है। तो पहली बात यहाँ की जा रही, क्योंकि वो मस्जिद की तमीर अभी मुकम्मल की है, उन्होंने काबे की तमीर मुकम्मल की है। तो अभी उस काबे का बुनियादी मकसद क्या है? ठीक है, हज तो वहाँ होता है, लिलतवाइफीन वलआकिफीन, तवाफ भी होगा, लोग एतकाफ करने भी वहाँ आएंगे, लेकिन उसका बुनियादी मकसद असल में है रुकअ सुजूद। जो लोग रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, वो दुनिया जहान में करेंगे, यानी तमाम मस्जिदें उसी एक मस्जिद की सैटेलाइट हैं, उसी की तरफ उसकी उनकी सिमत है। तो वहाँ से ये बात रबी जानी मुकीम सलाती, इससे मुराद ये है मुझे सिर्फ ऐसा मत बना कि मैं नमाज पढ़ूँ, बल्कि मैं नमाज कायम करूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करूँ कि वो भी नमाज पढ़ें। वो मिल जुलरी थी मेरी औलाद में से भी, यानी वो खुद भी नमाज के पाबंद हों और उनकी वजह से और लोग भी नमाज के पाबंद हो जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभार एक बड़ी बात कहते हैं, जैसे इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होना क़यामत के दिन सिवाय वो जो अल्लाह ताला के सामने आए एक अच्छा दिल लेकर, साफ़ सुथरा दिल लेकर, एक सलीम दिल ले। सलीम कहते हैं जो हिफाजत में रहे, उस पर कोई ऐब ना आ सके। फिर कभी कभार वो दिल साफ कैसे होगा ये किसे मालूम? उसका एक नुस्खा जो अल्लाह ताला ने दिया है वो नमाज है। यहाँ जब मुकीमत सलाती फरमा रहे हैं, वो इसलिए फरमा रहे हैं कि नमाज ही के ज़रिए दिल साफ़ रहेगा, रब जानी मुकीमत सलाती। और इससे मुराद ये नहीं है कि हम दूसरों को नमाज़ पढ़ने पर फोर्स करें। नमाज ऐसी चीज़ की कि सिला का लफ्ज़, सलाह का लफ्ज़ सिला से है, सिला कहते हैं, या वसल से है। वसल कहते हैं किसी चीज़ को आपस में जोड़ना। अल्लाह ताला का हमारा हमसे जो रब्त है, जो जोड़ है, जो सिला है अल्लाह ताला से हमारा, वो सलात है। सलात नहीं है तो खुदा से ताल्लुक़ नहीं है, नमाज नहीं है तो खुदा से ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जलोगे, नमाज फ़र्ज़ है, तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो ये होगा, ये गुना मिलेगा, ये गुना मिलेगा, ये गुना मिलेगा, ये सज़ा होगी, ये सज़ा होगी। हमने नमाज को बिल्कुल तमाम सज़ाओं के साथ एसोसिएट करके नमाज के बारे में जो असल रूह है उसको हम भूल चुके हैं। नमाज की असल रूह है कि इंसान खुदा से अपनी लॉ लगाए रखे, खुदा से कनेक्ट रहे, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करे, ये उसका मकसद है। अपनी बूढ़ी उम्र में पे आके कहते हैं रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, मुझे नमाज का कायम करने वाला बना। मुकीमत सला इसको अरबी में इस्म फ़ाइल भी कहते हैं। इस्म फ़ाइल से मुराद है ऐसा जो हमेशा नमाज को कायम रखे, यानी कभी नमाज और दूसरों को नमाज की तलकीन करने से कभी ना रुके। रब्बी जालनी उकीमत सला, उकीमत सला मैं नमाज कायम करूँ लेकिन हमेशगी उसमें नहीं होती। मुकीम मीम डालेंगे ना तो हमेशगी आ जाती है। वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम सलातिहिम दाइमून, वो हमेशा नमाज पर कायम रहते हैं। तो यहाँ पर दीन की तलकीन करना, अपनी फैमिली को तलकीन करना, उनकी अपनी औलाद है जो जिनसे कहा गया वो काना यामुरु अहलहु बिस्सलाती, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में है काना यामुरु अहलहु बिस्सलाती व ज़कती, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तलकीन किया करते थे, हुक्म दिया करते थे, कि नसीहत किया करते थे। अमर में तो सारी चीज़ें आती हैं, अमर में सिर्फ हुक्म नहीं होता, अरबी में, अरबी में नसीहत भी अमर के तहत आती है। वाज़ करना, किसी से अच्छे तरीके से बात करना, वो भी अमर में आता है। और फिर किसी को कहना कि तुमने ये करना ही करना है, वो भी अमर में आता है। तो कहने का मकसद ये है, कभी फैमिली में ऐसा होता है कि आपने सॉफ्ट तरीके से बात करनी होती है, कभी होता है कि ज़रा सख्ती भी लेनी होती है, कभी होता है कि आप बिल्कुल बहुत ही नरम अंदाज से थोड़ी सी कह के बात छोड़ दें, वो तमाम अमर में शामिल है। वो आपको देखना पड़ता है किस मौके पर क्या बात की जाएगी। काना यामुरु अहलहु बिस्सलाती व ज़कती। तो यहाँ रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, मुझे नमाज पर हमेशा कायम रखने वाला और रहने वाला और दूसरों को नमाज पढ़ने की तलकीन करने वाला बना दे। वो मिन दुर्रियती, और मेरी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद में से भी। अबना अरबी में कहते हैं औलाद को, दुर्रिया कहते हैं औलाद की औलाद, आने वाली नस्लें, उनको दुर्रिया कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात जो बहुत गहरी बात निकली है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है, और ये भी नहीं कि अपनी फिक्र और अपनी अभी वाली औलाद की फिक्र, उनको उस औलाद की भी फिक्र है जिसको ना उन्होंने कभी देखा, ना उनके उनको नाम पता होंगे, ना उनका पता पता होगा, उनकी भी फिक्र है, यानी हमारी भी फिक्र है, हम भी उनकी ज़ुर्रिया में से ही हैं। ऐसे पहले तो कह चुके हैं ना, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे रास्ते पर चलेगा, वो मेरे घराने में से ही है। तो हमारा अगर उनसे नस्ली ताल्लुक ना भी हो,
उन्होंने अल्लाह ताला से इस बात का ऐलान करा दिया, अल्लाह ताला से ये दुआ कर ली कि जो मेरा मेरे पीछे आएगा, मेरे रास्ते पर आएगा, वो मुझी में से है, तो हम भी उन्हीं की औलाद में से हैं। इसीलिए इस्लाम में किसी और नबी के साथ अब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, उनके साथ इस्तेमाल होता है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे वाले तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है, इसीलिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वमिन ज़ुर्रियती, मेरी आने वाली नस्लों में भी कोई नमाज कायम करने वाला बना दे, उसकी पहली तावील तो होगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हज़ारों साल इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया बनू इस्माईल में, और वो काबा जो है वो शिर्क से बिल्कुल भर गया, और आखिरकार आकर अब एक मुकीमत सलाह आया है नमाज कायम करने दोबारा इब्राहिम के तरीके पर अलैहिस्सलाम, हज़ारों साल बाद इस दुआ का जवाब मिल रहा है, रब जानी मुकीमत सलाती वमिन ज़ुर्रियती। हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है? हमारे लिए इसमें फायदा यह है कि हमें सिर्फ बच्चों को नमाज पढ़नी नहीं सिखानी, इससे मालूम होता है कि हमें सिर्फ इतना नहीं होना, आप किसी और को किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकते जब तक आप खुद कन्विंस ना हो। अगर आपको पूरी बात किसी बात पर यकीन है, किसी चीज के फायदे का आपको अच्छी तरह तजुर्बा भी है, तो आप किसी से कहेंगे ये करो इसमें बहुत फायदा है, और आप क्योंकि दिल से ये बात कर रहे हो तो किसी और पर भी इसका असर होगा, हाँ मैं भी कर लूं। मुकीमत सलात से मुराद है हमें अपनी औलाद को सिर्फ नमाज नहीं सिखानी, ऐसा दीन सिखाना है कि ना सिर्फ वो खुद उस पर पूरे कायम हो, लेकिन उनको देखकर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल कहीं भी उनके दोस्त भी उस पर कायम हो जाएं। जो ये कर रहा है मुझे भी यही करना है, दे आर वेरी कन्विंसिंग, यानी उनको देखकर दूसरे को यकीन हो जाए कि ये करने का काम यही है मुकीमत सलाती। इससे फिर हमारे हमारे जो दीन की तालीम है उसका एक फलसफा निकलता है। देखिए हम कहते हैं हमने बच्चे को दीन सिखाना है, क्या मुराद है इससे? चलो वजू करना सिखा दिया, नमाज पढ़नी सिखा दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका याद करा दिया, फातिहा याद करा दी, एक दो सूरतें याद करा दी, ठीक है, इस नमाज में इतनी रकतें होती हैं, उस नमाज में उतनी रकतें होती हैं, वजू ऐसे करते हैं, वजू ऐसे टूटता है, ये चीज़ें सिखा दी, कुछ दुआएं सिखा दी, कुरान पढ़ना सिखा दिया, चले भी इस्लाम सीख गया बच्चा। इन आयात की रूह से वो इस्लाम सीखना नहीं है, ये तो इस्लाम की एक शैल है, बाहर का है। इस्लाम की असल रूह क्या कि नमाज पढ़ क्यों रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है ना, वो इब्राहिम जिसने बार बार अपने अपनी कम उम्र से सवाल पूछे हैं, मैं इसकी इबादत क्यों करूं, उसकी इबादत क्यों करूं, और जब वो एक दफा सच पर पहुंच गए तो कुछ भी आ जाए रास्ते में उस सच को नहीं छोड़ना, उन्होंने आग में फेंक दो मैंने नहीं छोड़ना, सहरा में मुझे उनको किस किस्म के कौन से इम्तिहानात उन्हें नहीं दिए गए, उन्होंने अल्लाह ताला का अल्लाह ताला को जिस तरह पकड़ा हुआ है वो नहीं छोड़ना, वो ईमान कमजोर नहीं होता उनका। ये चीज़ है असल देने वाली, दीन इब्राहिमी, जो भी दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन फॉलो करता है उसने अपनी औलाद को ये चीज़ देनी है कि वो कभी ना भूले कि वो मुसलमान है क्यों। असल में दो चीज़ें होती हैं, क्या और क्यों। आजकल हमारी दीन की तालीम में क्या पर ज़्यादा जोर है, क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ करनी है, क्या कहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसी पर जोर है, लेकिन क्यों पर कोई जोर नहीं है। अगर आप किसी मुसलमान मुल्क में जाकर, हमारे मुल्कों में चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, और आप किसी आम 10-15 साल के बच्चे से पूछें तो मुसलमान क्यों हो, तो मुसलमान क्यों हो, उसका जवाब दे सकेगा? बस हूँ। नहीं नहीं क्यों हो? क्योंकि मेरे अब्बू मुसलमान है, उन्होंने कहा था। यही जवाब तो हिंदू देता है, यही जवाब तो मुशरिकून मक्के के मुशरिकून क्या कहते थे, हम तो वो करते हैं जो हमारे माँ बाप करते थे, ये तो उनका जवाब है। ये मुसलमानों का जवाब कब से हुआ? हमारा जवाब, हम तो दीन इब्राहिम का दीन है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो आला बसीरत, आंखें खोल कर दीन को फॉलो करते हैं, आंखें खोल कर वो सोच समझ कर इस दीन पर आए हैं। अगर आप सोच समझ कर इस दीन पर नहीं आए ना, तो इसका मतलब है आपका दीन ऊपर ऊपर से तो लगता है मुसलमान है, नमाज भी पढ़ रहा है, मुसलमानों का नाम भी है, ईद भी है, अकीका भी हुआ था बच्चे का, निकाह भी इस्लामी तरीके से हुआ है, ये सारी चीजें हैं, इस्लाम की एक शक्ल है ऊपर ऊपर से। लेकिन जिस दरख्त की जड़ ना हो ना, थोड़ी सी हवा चलती है तो क्या होता है, गिर जाता है। फिर होता क्या है कि हमारी औलाद जिसको आप कुरान याद भी करा दें, हिफ्ज भी करा दें कुरान का, लेकिन कभी समझाए नहीं कि ये कुरान है क्या चीज, नमाज पढ़नी सिखा दी ये नहीं बताया पढ़ते क्यों, मुसलमान क्यों, खुदा है कौन, क्यों मानते हो उसे, क्यों मांगना है उससे, ये चीज हलाल है ये हराम है, ये नहीं करना ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, और ये करना ही करना है, करना क्यों है, क्यों करना है। अगर हम ये चीजें नहीं सिखाते, होता क्या है, बच्चा आपका एक उम्र तक पहुंचता है फिर वो अपने सवाल पूछने शुरू कर देता है। हमारे हमारे कल्चर में बहुत होता है, हमारे अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन तमाम चीज़ों का जमाना है, हर तरह के आइडियाज हमारे बच्चे एक्सपोज होते हैं, उनको हर तरह के सवाल मिलते हैं, वो आके फिर अम्मी से पूछते हैं,
ये इसकी कोई तुक नहीं बनती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यही क्यों करते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं, व्हाई डू आई बिलीव इन गॉड, व्हाई डू वी बिलीव इन गॉड, खुदा पे, खुदा को मानने की क्या जरूरत है, हमें कैसे पता को खुदा है अभी कि नहीं है। कोई बच्चा माँ से पूछ लेता है तो 10-15 साल का, फिर माँ पैनिक में आ जाती है, मैं क्या करूँगी, अब मौलवी साहब के पास लेके जाते हैं, इस पर भूख पड़वाते हैं थोड़ी, अब क्या क्या मिनते मांगूँ कि बकरा ज़बह करूँ मैं, इस पर से भूत जिन्हें तुड़वाऊँ इसका, किसने ये सवाल पूछ लिया। ये सवाल जिन्नों से नहीं आया, ये सवाल पैदा क्यों हुआ, क्योंकि बुनियाद ठीक से कायम नहीं की गई। जब बुनियाद ठीक से कायम की जाती है तो जो जिसमें ईमान होता है वो सबसे सवाल पूछता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछता, वो सवाल पूछने वाला बन जाता है। इसीलिए कुरान में बार बार अफला तअक्लून, अफला तअक्लून, अफला, ये नहीं अफला तहफ़ज़ून, तुम याद क्यों नहीं करते, तुम इताअत क्यों नहीं करते, पूछा क्या, तुम सोचते क्यों नहीं हो, सोचते नहीं, सोचते नहीं, बार बार लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर से सोचो। सोच पे कोई जोर है नहीं हमारी तालीम में, सोचे बगैर अमल पे है। आप सोचे बगैर अमल करोगे ना तो एक दो जनरेशन में लफी शक के मिनहु मुरीब, वो ऐसे शक में पड़ेंगे कि ना तो ना सिर्फ के अगली अगली आने वाली नस्ल खुद दीन के मामले में शक में है, वो औरों को शक में डाल देगी। कोई और उनसे मिलेगा तो कहेगा यार पहले मैं ठीक था, इससे मिलने के बाद मुझे भी इस्लाम पे शक होना शुरू हो गया, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। इसका रिवर्स क्या है, वो भी जानी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती, मुझे ऐसा बना जो खुद नमाज को कायम करे और उस अल्लाह से उस रब्त को कायम करे, और मेरे जरिए मेरी औलाद का भी वो रब्त कायम हो।